नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपूर्व यश म्यूजिक जिम के 50 सिंगर्स का आज फैमिली फन डे शो हुआ। ये हमारा फैमिली फन डे हर 2 महीने में होता है। पिछला हमारा फैमिली फन डे 20 जनवरी को हुआ था। हर 2 महीनों में स्टेज पर गाने से इस विद्यार्थियों को आदत सी हो जाती है प्रेक्षकों के सामने गाने की। उनकी हिम्मत बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सुधार तो ज़रूर होता है। ये सब हमारे म्यूज़िक जिम के स्टूडेंट्स गाते हैं। जो बिगनर्स हैं, जो थोड़े एडवांस स्टूडेंट्स हैं, सभी विद्यार्थी इस फैमिली फन डे में हिस्सा लेते हैं। इसका मकसद ये है कि इनके इम्प्रूवमेंट्स का असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है कि 2 महीने में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर 2 महीने रियाज ठीक तरह से ये करते हैं तो थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना। ये हमारा इवैल्यूएशन शो पिछले 3 सालों से चल रहा है। एडवांस स्टूडेंट्स में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनल लेवल के सिंगर्स बन गए हैं। हमारे ये सब विद्यार्थी शौक के खातिर म्यूज़िक सीख रहे हैं। कोई अभी स्कूल में है, कोई अभी कॉलेज में है, कोई नौकरी कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों को अपनी हुई इम्प्रूवमेंट्स देखकर सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर मिलता ही है, लेकिन इनके दोस्तों को, इनके फैमिली मेम्बर्स को भी बड़ा आनंद लगता है। 20 जनवरी के हमारे फैमिली फन डे के इवैल्यूएशन वीडियोस मेरे इस चैनल पर अपलोड हुए हैं। आज हुए शो की पेशकश जो विद्यार्थियों ने दी है वो भी अगले 10-15 दिनों में वीडियोस अपलोड होंगे। ये वीडियोस अपलोड करने का ऑब्जेक्टिव ये है, ये रिकॉर्ड रह जाता है विद्यार्थियों के पास, वो खुद अपने इम्प्रूवमेंट्स का ग्राफ और अ पीरियड ऑफ टाइम देख सकते हैं। इन विद्यार्थियों की गलतियां नहीं हुई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कोई विद्यार्थी सुर में नहीं है तो कोई ताल में नहीं है, इनसे गलतियां ज़रूर होती है, लेकिन गलतियां इस वीडियो के माध्यम से देखकर उसमें सुधार लाया जा सकता है और ये विद्यार्थी लाते भी है। ये हमारा पूरा शो कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफी नहीं होती, कोई प्रोफेशनल साउंड रिकॉर्डिंग नहीं होता, ऐसे माहौल में ये वीडियोस बने हुए हैं तो क्वालिटी आप इतनी बेहतरीन एक्सपेक्ट मत कीजिए। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ इन विद्यार्थियों के सुर और ताल ये कैसे लग रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों, हमारे इन विद्यार्थियों के ये वीडियोस देखकर आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको अगर अच्छा गायक बनना है तो आपसे भी इस तरह की भूलें हो सकती है। उस नज़रिया से इस वीडियो को देखिए, कुछ सीखिए और मेरे इस विद्यार्थी को एनकरेज कीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए। वो भी आप ही जैसे एक आम व्यक्ति है जिनको म्यूज़िक पसंद है। आज के इस शो में 50 विद्यार्थियों ने गाने पेश किए, 1-2 विद्यार्थियों ने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, किसी ने बांसुरी बजाई, किसी ने मैंडोलिन बजाया, किसी ने कीबोर्ड परफॉर्म किया। मेरे इस कमेंट्री के बाद वो इंडिविजुअल विद्यार्थी का परफॉर्मेंस डाला जाएगा, जो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इस विद्यार्थी से क्या भूल हुई है। उस परफॉर्मेंस के बाद मैं मेरा असेसमेंट दूंगा कि क्या भूल हुई है, क्या गलतियां हुई है। तब आप देखिए, आपने जो सोचा कि ये गलती हुई, क्या वो
और मैं जो कह रहा हूँ गलतियाँ हुई हैं, ये दोनों मैच होता है या नहीं। दोस्तों, संगीत अभ्यास में सीखने जैसा बहुत कुछ होता है और जिनको ये अवसर मिलता है वो भाग्यशाली है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली यू आर लकी। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে গান, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে গান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে গান, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে গান, আমার আপন হারা প্রাণ আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ, তোমার হাওয়ায় ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে গান, তোমার আশোকে নিশোকে অলক্ষ নয় লাগলো আমার অকারণের শোকে, তোমার ঝামের দোলে মর মরিয়া উঠে আমার দুঃখ রাতের গান, मदन की। इनकी आवाज में बहुत मिठास है, इनको सुर और ताल का ज्ञान पक्का है। ये जो इन्होंने बंगाली गाना लिया, ये रविंद्र संगीत का एक मशहूर फोक सॉन्ग है, कई सिंगर्स ने इसे ट्राई किया हुआ है। ये गाना ए शार्प स्केल में है, उसको बढ़ा करके सी शार्प किया गया था। अब सी शार्प स्केल में ये जब गा रही है तो अंतरिक की जो पहली लाइन है, आलोक क्यों रॉन्ग ऊपर के नोट्स लेते हैं, वहाँ पे ये डिस्कम्फर्ट फील कर रही है। आप अगर अच्छा संगीत जानते हो तो इस गाने में इनसे क्या गलती हुई है ये पहचानने की कोशिश कीजिए। संगीत को लेकर आपको कोई गलती इनकी मिलेगी नहीं इस गाने में, लेकिन एक बड़ी गलती हुई है वो ध्यान को लेकर है। फागुन हवाए हवाए करे चीजे दान, तोमार हवाए हवाए कोरे चीजे दान, ये जो दो लाइनें हैं इनको एक के बाद एक गाना है, सिर्फ एक बार। इन्होंने ये दोनों लाइनें दो बार गाई, तो क्या हुआ, जो अगली लाइनें थी लाइन नंबर 3 लाइन नंबर 4 वो मिक्सअप हो गई। जो बंगाली भाषा समझ पाते हैं
उन्हीं को पता चल गया होगा कि इनकी गलती हो गई है। डॉक्टर मदन की इज़ अ वेरी गुड सिंगर, इनका क्लासिकल बेस है, क्लासिकल में भी ये तरक्की कर रही है और शी इज़ पैशनेट अबाउट म्यूज़िक, ये बहुत ही बड़ा नाम कमाएगी। इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फ़ोन कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।